थोड़ी देर और खेल लो, तब तक फर्श भी सूख जाएगा, तब आना अंदर। यार मम्मी ठंड लग रही है, पूरे गीले हो रखे हैं हम दोनों, और कलर की वजह से पूरे शरीर में खुजली से इरिटेशन हो रही है, नहाना है मुझे। हाँ तो मैंने बोला था बाहर बेटा कुत्ते बिल्लियों की तरह होली खेलो। अभी तुम्हारी दादी नहा रही है, बाद में नहाना, जब तक वहीं खड़े रहो। बे यार एक तो ठंड लग रही है, ऊपर से आधे घंटे तक यहीं खड़े रहना पड़ेगा। जा सिप्पू नहा ले, नहा चुकी तेरी दादी। ठीक है मम्मी। अरे दीदी ओलंपिक की रेस नहीं चल रही है कि पहले आप आई थी या पहले मैं, कौन देख रहा है, छोड़ो। चुपचाप से बाहर आ जा, नहीं तो। नहीं तो क्या दीदी, ये पिंकू किसी से डरने वाला नहीं है, धमका रही हो आप मुझे। मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, मैं बहुत देर से वहाँ पे खड़ी थी, पहले मुझे नहाना है। अरे अब क्या है, तुम दोनों को होली खत्म हो गई है लेकिन तुम दोनों का कलेश अभी तक चालू है। हा? यार मम्मी देखो ना, इतनी देर से मैं वहाँ पे ठंड में खड़ी थी और ये बीच में आके पिंकू का बच्चा घुस गया पहले नहाने के लिए। पिंकू मानेगा नहीं तू, होली का प्रसाद चाहिए क्या, बाहर आ, पहले इसको नहाने दे। उतनी दीदी की फेवर में तो मम्मी आ गई, अब क्या करूं। देख लो मम्मी अब इसके कानों में जूनी रेंग रही होगी, बोलो ना निकल जाए, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। पिंकू। अरे मम्मी अब तो मैंने साबुन भी लगा लिया है। नहीं मम्मी झूठ बोल रहा है ये। मम्मी अगर आपको यकीन नहीं होता ना तो मैं साबुन लगे लगे बाहर आ जाता हूँ, फिर आपको फिर से पोछा मारना पड़ेगा, देख लो। आ जाओ बाहर, बताओ। अरे नहीं नहीं पूरे घर में फिर से पोछा नहीं मारूंगी मैं, तू एक काम कर बेटा पहले नहा ले तभी बाहर आई हो। यार मम्मी। अरे बेटा तू थोड़ा वेट कर ले, बस थोड़ी देर की तो बात है। हाँ यार बाहर आ तू, तब बताऊंगी तुझे। अब आएंगे मजे, अब यहाँ दो घंटे तक टाइम पास करूंगा, नहाने नहीं दूंगा दीदी को। अरे आज इस मैदान में रंग। अरे यार कितना ठंडा पानी है, इसमें तो गर्म पानी आ ही नहीं रहा। यार मम्मी यहाँ तो गर्म पानी आ ही नहीं रहा है, अब क्या मैं ठंडे पानी से नहाऊं? इसको पूछना जरा, बाहर इसको जिस पानी से भिगो रहे थे वो गर्म था क्या? नौटंकी बाज कहीं की, ज्यादा ड्रामे मत कर, जाके चुपचाप नहा ले। इस बार सोचा था कि मैं ज्यादा होली नहीं खेलूंगी, लेकिन पक्का अगली होली तो मैं बिल्कुल ही नहीं खेलूंगी, कुछ भी हो जाए तो यार ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। अरे ये क्या, नल में पानी क्यों नहीं आ रहा? मम्मी यार मोटर चालू कर दो, पानी नहीं आ रहा टंकी में, नहाऊं कैसे मैं? बेटा पानी होगा भी कैसे, क्योंकि टंकी के सारे पानी से तो तुम होली खेल गए हो, और खेलो तुम होली। अरे यार मम्मी कैसी बातें कर रहे हो आप, अब होली पे होली नहीं खेलूंगी तो क्या घर में बैठ के लूडो खेलूंगी? आप मोटर चालू कर दो ना। लाइट नहीं आ रही है, कैसे चालू कर दूं, अब बैठी रहे ऐसे जब तक लाइट नहीं आती। शिट यार। मम्मी आपने मेरे कपड़े साफ नहीं किए क्या? हाँ मम्मी आपने मुझे भी बिना धुलाना लोवर दे दिया, मैं ये पहन के बाहर जाऊंगा। धुले हुए ही हैं ये, लेकिन मम्मी इस पर तो अभी तक कलर लगा हुआ है, ये देखो। हाँ तो तुम दोनों को किसने बोला था सफेद कपड़े पहन के होली खेलने को? मना किया था ना मैंने कि सफेद कपड़े पहन के होली नहीं खेलनी, तुम दोनों सुनते हो किसी की? होली खेल खेल के तुमने सारे कपड़ों में कलर लगा रखा है, भाई ऐसा दागे ये जाएगा थोड़ी ना। लेकिन मम्मी ये कपड़े कैसे पहन सकते हैं, इनके ऊपर तो देखो कलर लगा हुआ है ना। और क्या मम्मी, अगर हम इसे पहन के बाहर निकले तो लोग हमें पेंट वाला समझेंगे। हाँ तो जिसको जो समझना है समझने दो, पहनोगे लेकिन तुम यही। बेटा तुम दोनों कोई अंबानी के घर में पैदा नहीं हुए हो कि जो कपड़े में एक दाग लग गया और कपड़ा उठा के फेंक दो,
जब तक ये कपड़ा पोछा लायक नहीं बन जाता तुम पहनोगे तो यही। मम्मी यार पर क्या यार मम्मी हा? यार मैं तुम्हारी, निकल यहाँ से भाग। हर साल होली पे टंकी का पानी खत्म हो जाता है, इस बार एक काम करती हूँ अपने नहाने के लिए पहले से ही पानी निकाल के रख लेती हूँ, फिर होली खेल कर आऊंगी सीधा जाके बाथरूम में घुस जाऊंगी और नहा लूंगी। पिछली बार तो मुझे शाम तक बैठे रहना पड़ा था। हाँ ये सही है। बाल्टी तो भर गई लेकिन अब इसे छुपाऊं कहाँ? देती हूँ इस कोने में तो किसी की नजर भी नहीं जाएगी और होली खेल कर आऊंगी आराम से नहा लूंगी, यहाँ पे मेरा पानी सेफ रहेगा। मम्मी पानी तो आया नहीं, नहाऊं कैसे? हाँ नहीं आ रहा पानी तो मत नहा लेकिन मेरा खून मत पी। टंकी का पानी खत्म हो गया। अरे पर मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ, मैंने तो अपने लिए पहले से ही बाल्टी भर के रखी है, अब जाके फटाफट उसी पानी से नहा लूंगी। हैप्पी होली दादी जी। हैप्पी होली हैप्पी होली। पर मुझे एक बात बता तो इस समय ये बाल्टी वाल्टी लेके कहाँ निकली है होली खेलने के लिए? होली तो खत्म हो चुकी सुबह, इस समय तो नहाने धोने का टाइम है शाम को। ओह नहीं नहीं दादी जी, वो तो मैं आपके घर ना पानी मांगने आई थी, आपको तो पता है ना होली वाले दिन टंकी का पानी खत्म हो जाता है, बस मेरी टंकी से भी ना पानी खत्म हो गया है, थोड़ा पानी मिलेगा आपके घर से? अच्छा अच्छा रुक जा देती हूँ। बहू, ओ बहू, सिब्बू, ओ सिब्बू, पता नहीं कहाँ मर गए सबके सब, तू रुक बेटा मैं अभी लेके आती हूँ। ठीक है दादी जी। अरे दादी जी हिमालय से पानी लेने चली गई क्या? अरे बेटा वो क्या है ना, होली का त्योहार है, बच्चों ने भी पानी सारा इस्तेमाल कर लिया है होली के चक्कर में और टैंकी का पानी खत्म है एकदम। बेटा बस तू ये समझ ले इतना भी पानी नहीं बचा है कि एक कप चाय बना के पी लूं। अच्छा दादी जी आपका हाल तो मुझसे भी बुरा है, चलो कोई नहीं क्या ही कर सकते हैं, मैं कहीं और से पानी मांग लेती हूँ। चलती हूँ। शुक्र है भगवान का चलेगी, बाथरूम में एक ही बाल्टी पानी की बची है उससे तो मैं नहाऊंगी। इससे पहले गली मोहल्ले से कोई और पानी मांगने आए मैं ही नहा लेती हूँ, टॉवल लेके आती हूँ। बेटा तू घी नहीं अभी तक, अंदर भी आ गई, अंदर तो आई सो आई बाथरूम तक भी आ गई। दादी जी मुझे पक्का पता था पूरे मोहल्ले में किसी और के घर में पानी हो ना हो आपके घर में जरूर होगा। चलो दादी जी अब फटाफट वो पानी मुझे दे दो। अच्छा बेटा अब तू आ ही गई है तो ले जा। सारा पानी तो यही लेके चली गई, अब मुझे पता नहीं कब तक ऐसे बैठा रहना पड़ेगा।
चलो बाथरूम में जाके देखती हूँ, शायद थोड़ा बहुत पानी निकला है टैंकी में से, तो मुंह हाथ ही धो लेती हूँ। अरे बाप, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, अब क्या करूं? अरे ये बाल्टी यहाँ पर क्या कर रही है? इसमें तो पानी भरा हुआ है। मेरा काम तो हो गया, इस पानी से तो मैं नहाऊंगी। तो बस बेटा, तेरी दादी को लगा कि वो पानी वहां पे ऐसे ही रखा है, तो उन्होंने नहा लिया। मम्मी, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी जिंदगी तो बिल्कुल नोविता वाली हो गई है। यार सुबह से 4 बार नहा चुकी हूँ और ये कलर है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। यार मेरे गले के बच्चों ने ना गुलाल बोल बोल के मुझे पक्के पक्के रंग लगा दिए, अब ये छूट ही नहीं रहा है। कितना ट्राई कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और कल पेपर भी है, अब स्कूल क्या रेनबो बन के जाऊंगी? अरे यार एक काम करना, तू फुल स्लीव्स के कपड़े पहन लियो। अरे यार कैसी बातें कर रही है तू, ठंडिया भी जा चुकी है, और चल माना मैं फुल स्लीव पहन भी लूंगी, लेकिन इस फेस का क्या करूंगी मैं? पूरा कलर तो मेरे चेहरे पे ही लगा है ना, फेस पे क्या हेलमेट लगा के जाऊंगी स्कूल? यार 2-4 दिन में छूट जाएगा, कलर ही तो है, तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? रहने दे यार, तू नहीं समझेगी, तू होली नहीं खेलती है ना, मुझसे पूछ कैसा फील होता है। होली खेलो तो पछतावा, ना खेलो तो पछतावा। अरे सुन ना सिब्बू, मेरे पास एक आइडिया है, तू एक काम कर, अपनी दादी से ना कलर छुटाने के नुस्खे पूछ ले, उनके पास पक्का कोई ना कोई आइडिया होगा। हाँ यार ये सही बोला तूने, अभी जाती हूँ उनके पास। थैंक यू यार। हाँ ठीक है, ओके। दीदी कितने भी नुस्खे आजमा लो, ये कलर नहीं छुटने वाला। अब आपको कैसे बताऊं, ये कलर आपको गली के बच्चों ने नहीं, भीड़ में घुस के मैंने लगाए एकदम मसल मसल के। अब आएगा असली मजा। दादी आपके पास तो सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे भी एक दो बता दो, ये कलर है कि छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है, और कल मुझे स्कूल भी जाना है। अगर मैं इस हुलिये के साथ स्कूल चली गई, बच्चे मेरे पे हंसेंगे वो अलग, और टीचर मुझे अलग से मारेगी। प्लीज दादी कुछ तो बताओ। अरे बेटा क्या इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही है? अभी तेरे को मैं ऐसा फॉर्मूला बताती हूँ जिससे 2 मिनट में तेरा कलर निकल जाएगा। तो एक काम कर, थोड़ा सा बेसन और हल्दी लेके उसका पेस्ट बना लियो, और नहाते समय जहाँ जहाँ कलर लगाए ना वहाँ लगा लियो, देख कितनी जल्दी कलर साफ हो जाता है। पक्का ना दादी ये नुस्खा काम करेगा? हाँ हाँ बेटा देसी नुस्खा है, जरूर असर करेगा, तू कोशिश करके तो देख। ठीक है दादी। ओहो कलर नहीं गया, लगता ज्यादा ही पक्का कलर है। तू एक काम कर, नींबू का रस निकाल के ना उसको पूरे चेहरे पे लगा ले, और 10-15 मिनट तक छोड़ दे, उसके बाद चेहरा धो लियो, देख तेरा चेहरा एकदम चकाचक साफ हो जाएगा। पक्का ना दादी ये वाला नुस्खा काम करेगा आपका? हाँ हाँ बेटा देसी नुस्खा है, खाली थोड़ी जाएगा, लगा ले फटाफट जाके। ठीक है दादी। अरे अभी भी नहीं गया कलर, बड़ा बेशरम कलर है। अच्छा तू एक काम कर, थोड़ा सा दही ले, उसमें सरसों का तेल डाल, और साथ में डाल हनी, तीनों को मिक्स करके पेस्ट बना के अपने चेहरे पे लगा ले, देख एकदम पक्का कलर चला जाएगा। दादी पक्का ये वाला नुस्खा तो काम करेगा ना? क्यों नहीं करेगा, देसी नुस्खा है बेटा, खाली थोड़ी जाएगा। ठीक है।
अरे बेटा तेरा कलर तो बहुत ही जिद्दी लग रहा है, रुक। ये देख कपड़े धोने का साबुन, इससे अगर कपड़े चमक सकते हैं तो तेरा रंग क्या चीज है। ले अरे अभी भी नहीं गया कलर, एक मिनट रुक। ये ले बर्तन घिसने का जूना, अरे जब इससे बर्तन चमक जाते हैं तो तेरा कलर क्या चीज है, ले इससे घिस। अरे दादी इससे भी कुछ नहीं हो रहा। बेटा ये ले फिनाइल, जब इसको पोचे में डालने से फर्श चमक जाता है तो तेरा कलर क्या चीज है, ले इसको ट्राई कर। ओहो अच्छा एक काम कर, ये ले इजी, ये कपड़ों पर भी इजी रहता है तो तेरे चेहरे पे भी इजी रहेगा, ले इसको ट्राई कर। अरे दादी इससे भी नहीं गया। ये ले ये ट्राई कर इंस्टा का शैम्पू, अरे जब इंस्टा 20-20 दिन बाद ना आता है चमक जाता है तो तेरा रंग क्या चीज है, ले इसे ट्राई कर। ये ले मिट्टी का तेल, इससे तो तेरा रंग पक्का साफ हो जाएगा। ये ले बेटा वैक्स स्ट्रिप्स, अरे जब इससे बाहर निकल जाते हैं तो तेरा कलर किस खेत की मूली है। अरे ये ले इसको ट्राई कर, जब इससे टॉयलेट क्लीन हो जाता है तो तेरा चेहरा भी क्लीन हो ही जाएगा। ये ले बेटा नारियल तेल और लोशन, इससे तेरे चेहरे की जलन भी कम हो जाएगी और रंग तो गारंटेड निकल जाएगा। अभी भी नहीं गया। अच्छा बेटा तू एक काम कर। अरे बस करो यार दादी आप, ये कर ले वो कर ले, अरे कुछ भी नहीं करना, सारे के सारे घटिया बेकार और फालतू के नुस्खे हैं आपके। अरे इससे अच्छा तो मैं स्कूल रेनबो बन के ही चली जाऊं। हां हटो यार दादी, फालतू के नुस्खे बताते रहते हो बस। अरे भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे पास भड़क के गई, अगर इसको मेरे नुस्खे पसंद नहीं आने थे तो मुझसे पूछे ही क्यों, आगे से इसको कभी कुछ नहीं बताऊंगी मैं। हाँ गाइस करना कमेंट, बिल्कुल कमेंट करना, लेकिन ये बताने के लिए कि मेरी दादी के नुस्खे कितने घटिया और वाहियात थे, और इसको बिल्कुल भी गलती से भी ट्राई मत करना, वरना जो मेरी शक्ल का हाल हुआ है ना वही आपके भी शक्ल का हो सकता है। यार ये नीला कलर कौन लगाता है, पूरा कोई मिल गया का जादू लग रहा था, इतना घिस घिस के रगड़ा तब छूटा ये। अरे यार होली खेल खेल के थकान हो गई है, काम करती हूँ बाल सुखा के थोड़ी देर सो जाऊंगी, रिलैक्स हो जाएगी बॉडी। अच्छा सुलवाऊं अभी, कल पेपर है, दोनों के दोनों किताब खोल के पढ़ लो, वरना अभी के अभी यहीं सारी थकान दूर कर दूंगी। यार मम्मी। कोई यार मम्मी नहीं, जब तक मैं नहा के आ रही हूँ तब तक दोनों के हाथ में किताबें खुली दिखनी चाहिए मुझे, अगर एग्जाम में नंबर कम आए तब तो होली मैं खेलूंगी तुम्हारे साथ, वो भी लठ मार। हे भगवान पता नहीं कब आएगी ये काम वाली, पूरा घर गंदा पड़ा है, पूरा घर साफ करना है, कितने सारे बर्तन हैं ये साफ करना है, झाड़ू पोछा कपड़े, कैसे होगा सारा काम, पता नहीं कब आएगी। हैप्पी होली भाभी जी। अरे मालती कहाँ है कि हैप्पी होली, होली तो कल थी ना भाई, होली कब की खत्म हो गई है, तुझे सुबह ही काम पे आ जाना चाहिए था, सुबह तो तू आई नहीं, शाम को तो जल्दी आ जाती। चल अच्छा हुआ तू आ गई, अगर नहीं आती तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता। एक काम कर सबसे पहले तू पूरा घर साफ कर ले ठीक है।
भाभी देखो, काम तो मैं सारा कर देगी, लेकिन मैं वो वाला कमरा साफ नहीं करेगी। क्यों भाई, वो वाला कमरा साफ क्यों नहीं करेगी? देखो भाभी जी, सफाई तो मैं कर देगी, लेकिन मैं पहले ही बोल देती है, उस कमरे का ना मैं अलग से पैसा लेगी, क्योंकि उस कमरे में ना होली के रंगों के बहुत सारे दाग लगे हुए हैं। होली, दिवाली, करवा चौथ पे हम काम वालियों का ऐसा ही रहता है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना भाभी जी, तो वो बगल वाली बिल्डिंग में B61 में जो भाभी जी रहती है ना, उनसे पूछ लेना। उनके घर में अभी अभी झाड़ू पोछा करके आई हूँ, पूरे 1500 रुपए अलग से लिए मैंने। भाभी थोड़ा सा समझो ना, इसमें ना मेरी बहुत मेहनत लग जाती है, एक एक दाग रगड़ रगड़ के छुड़ाना पड़ता है। अब देख लो भाभी जी, आपको करवाना है तो हाँ बोलो, नहीं करवाना तो मेरी छुट्टी कर दो। अरे नहीं नहीं, इतने पैसे थोड़ी ना मिलेंगे, जितने हमेशा देती हूँ उतने ही मिलेंगे। ठीक है भाभी, फिर आप एक काम करो, आप कोई और काम वाली देख लो, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। अरे नहीं नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा, होली है तो क्या हुआ, अब हर एक चीज का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ऐसे तो तू बोलेगी कि होली का त्योहार है, बर्तन ज्यादा गंदे पड़े हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। हाँ तो उसका अलग से होता ही है भाभी जी। भाई पिंकू, ये सब क्या चल रहा है, मम्मी क्यों बहस कर रही है काम वाली आंटी से? अगर आंटी चली गई ना, तो मम्मी घर का सारा काम हम दोनों से ही करवाएंगी, और होली के बाद तो घर देख कितना ज्यादा गंदा हो रखा है, दीवार से लेके छत तक, फ्लोर से लेके किचन तक, बर्तन कपड़े सब कुछ हम दोनों को ही करना पड़ेगा भाई। हाँ दीदी आप सही कह रही हो, मम्मी सारा काम हमसे ही कराएंगी। कुछ सोच पिंकू, मुझे काम नहीं करना इतना सारा, वो भी। जो मैं सोच रहा हूँ आप भी वही सोच रही हो ना? हाँ। चलो। अरे मम्मी, आप अपनी मुसीबत क्यों गले बांध रहे हो, मान लो ना काम वाली आंटी की बात। हाँ मम्मी, दीदी सही कह रही है, मान लो बात। हाँ हाँ बच्चों, जरा समझाओ अपनी मम्मी को। लेकिन ये एक्स्ट्रा पैसे मांग रही है बेटा। अरे मम्मी सोचो ना, मजबूरी है, अगर ऐसे टाइम में काम वाली आंटी नाराज होके चली गई, फिर मम्मी सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। अरे भाई मैं क्यों करूंगी सारा काम घर का, तुम दोनों से करवाऊंगी घर का सारा काम, क्योंकि होली तुमने ज्यादा खेली है, पूरा घर तुम दोनों ने गंदा किया है, तो तुम ही साफ करोगे। नहीं मम्मी, सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे तो एग्जाम चल रहे हैं ना, और मम्मी नई काम वाली भी जल्दी मिलती नहीं है, आपको तो अच्छे से पता है, और इन सब में हम भी फिर आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते तुम? मम्मी अभी तो बताया हमारे एग्जाम चल रहे हैं। अरे हाँ ये भी तो है। और क्या मम्मी, फिर आपको घर की सफाई खुद करनी पड़ेगी, कलर वाले कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, बर्तन भी धोने पड़ेंगे, सफाई भी करनी होगी, बहुत टेंशन हो जाएगी आपको। अरे मम्मी इतना क्या सोच रहे हो, बस काम वाली आंटी ने थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे ही तो मांगे हैं, और इससे ज्यादा पैसे तो हमने होली के रंगों में उड़ा दिए होंगे। दे दो ना मम्मी, क्यों काम वाली से पंगे लेके रिस्क उठाना। हाँ बेटा वैसे कह तो तुम सही रहे हो। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे 1000 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगी, लेकिन इसके बाद इससे ज्यादा मत मांगियो, 1 रुपया नहीं दूंगी इससे फालतू। ये हुई ना भाभी जी बात, देखो आ गए ना आप लाइन पे, इतनी देर से मैं समझा रही थी तो आपको समझ नहीं आ रहा था, अब इन प्यारे प्यारे बच्चों ने क्या समझाया, आप तो यूं समझ गई। ठीक है भाभी जी, काम शुरू करती हूँ, झाड़ू कहाँ है? जहाँ रख के जाती है वहीं है, चल लग जा जल्दी। तो कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो, आई होप अच्छी लगी होगी, और अगर सच में अच्छी लगी है तो एक लाइक करके जरूर बता देना, और कमेंट्स में अपने फेवरेट सीन जरूर बताना, क्या आपने इस पूरी वीडियो में से कोई एक सीन भी रिलेट किया है, जरूर कमेंट करना, और वीडियो को शेयर भी कर देना। आफ्टर होली क्या ये सीन आपके साथ हुए हैं? और होली तो आप सभी ने मनाई ली होगी, मैंने भी मना ली है देखो, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, लव यू।